सोहे बड़े जब गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आदेश सिंह। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, भगवान ना करे कि आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो, लेकिन मानकर चलिए कि कभी भी आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, तो कभी भी अगर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या अगर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तो आप कैसे जो है सो यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं बिना एडसेंस के। तो ऐसे तो बहुत तरीके हैं जिससे जो है सो आप अर्निंग कर सकते हैं बिना एडसेंस से, लेकिन इसमें हम पांच ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं, पांच ऐसे जो है सो मेथड्स बताने वाले हैं जिससे आप जो है सो एडसेंस से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हमारे YouTube चैनल का एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो उस समय हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो चैनल पे काम करना छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है नया चैनल बना लेते हैं, फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा भी एक YouTube पे चैनल था जिसका जो है सो एडसेंस जो है सो सस्पेंड हो गया था चैनल बनाने के कुछ दिन बाद ही, तो हम वो चैनल को छोड़ दिए थे और नया चैनल जो बना लिए थे जो अभी ये चैनल है। तो उस टाइम था क्या कि उस समय जो है सो कोई मुझे जो है सो गाइड करने वाला नहीं था कि भाई एडसेंस से ज़्यादा भी जो है सो अर्निंग होता है, बहुत ऐसे मेथड्स हैं जो एडसेंस से ज़्यादा भी जो है सो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाँच ऐसे मेथड्स जिससे जो है सो आप एडसेंस से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं बिना मोनेटाइजेशन ऑन किए। गाइस, जैसे बहुत अभी यूट्यूब पे चैनल है जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे व्यूज भी आते हैं, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जो है इनेबल नहीं है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो है खिलाफ है कुछ ना कुछ, जिसके वजह से उनका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो काफी लोग काम करना ही छोड़ दिए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पांच बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है स्पॉन्सरशिप। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद जो है सो वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब वीडियो पे कोई काम वाम नहीं करते हैं, चैनल भी छोड़ देते हैं कि चैनल से अब अर्निंग नहीं हो सकता है क्योंकि एडसेंस डिसेबल है। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत ऐसे चैनल है जो स्पॉन्सरशिप से अच्छे खासे अर्निंग करते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें जो डांस वाले चैनल होता है जो कॉपीराइट सॉन्ग यूज करता है, पूरा सॉन्ग यूज करता है और उस पर डांस का वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर डालता है, तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि वो लोग अर्निंग क्यों कैसे करते हैं, वो लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन वो अर्निंग कैसे करते हैं, तो वो लोग स्पॉन्सरशिप से अर्निंग करते हैं। अब स्पॉन्सरशिप में बहुत चीज आ जाता है। स्पॉन्सरशिप में ये भी आ जाता है कि कुछ वेबसाइट वाले जो है सो आपको बोलेंगे कि मेरे वेबसाइट के बारे में अपने चैनल पे बता दो, इसके बदले जो है सो हम तुम्हें पैसे देंगे। या ये भी हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन वाले आपको बोलेंगे कि मेरा एप्लीकेशन का रिव्यू जो है सो अपने वीडियो से पहले डाल दो या पूरा वीडियो ही डाल दो, इसके बदले जो है सो हम पैसे देंगे। फिर बहुत ये भी हो सकता है कि बहुत जो है सो वेबसाइट वाले आपको कुछ रिव्यू के लिए गैजेट्स भेजे, जैसे कि बहुत जो है सो ईयरफोन हेडफोन सब जो गैजेट्स भेजते हैं, तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत अच्छा जरिया है आपको जो है अर्निंग करने के लिए। बहुत चैनल है जो यूट्यूब से एडसेंस से एक भी रुपया नहीं अर्निंग करते हैं और स्पॉन्सरशिप और बाकी और भी मेथड से जो है सो अच्छे खासे अर्निंग कर लेते हैं, एडसेंस से भी कई गुना ज्यादा जो है सो अर्निंग कर लेते हैं। अब गाइस, दूसरा मेथड ये है अर्निंग करने का कि पहला तो स्पॉन्सरशिप हो गया और दूसरा ये हो गया कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उससे भी यूट्यूब चैनल से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये बोलिए कि भाई वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट से ही अर्निंग होगा, यानी कि एडसेंस से ही अर्निंग होगा वेबसाइट का, तो फिर यूट्यूब चैनल से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है सो कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि आप एक वेबसाइट बना लीजिए और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब भी YouTube पे कोई वीडियो डालते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं या कोई भी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई भी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, तो उसका लिंक जो है सो वो लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं शॉर्ट लिंक करके देते हैं, तो उस पर कुछ देर जो है सो वेट करना पड़ता है। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप एक वेबसाइट बना लीजिए, एडसेंस से जो है सो अप्रूव करवा लीजिए वेबसाइट पे, और जो भी आप वीडियो में बोल रहे हैं, जो भी आप वीडियो में समझा रहे हैं, उस पर एक पोस्ट लिखिए और वो पोस्ट लिखने के बाद जो है सो अपने वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। अब मानकर चलिए कि हम ये आपको वीडियो हम बना रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं कि पाँच मेथड जो है सो कैसे अर्निंग कर सकते हैं बिना एडसेंस का। अब इस पर हम एक पोस्ट लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे और वो पोस्ट में कुछ ऐसा चीज़ दे देंगे, जैसे कि कोई एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे,
तो एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वेबसाइट पर दे देंगे और वो वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्या होगा कि जब भी कोई यूजर को पढ़ना होगा कोई चीज़ या कोई चीज़ डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक नहीं देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक जो है वेबसाइट पर देंगे और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वह हमारे वेबसाइट पर चला जाएगा और वेबसाइट से वो डाउनलोड इजिली जो है सो कर सकता है। तो ऐसे करके जो है सो आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट से लाखों रुपए जो है मंथली अर्निंग करते हैं। तो दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है खुद का वेबसाइट बनाना, शॉर्ट लिंक, किसी का वेबसाइट का हम नहीं बोलेंगे आपको यूज करने के लिए, आप शॉर्ट लिंक के जगह पर अपना वेबसाइट बनाइए और अपना वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अगर हम आपको गाइस तीसरा मेथड के बारे में बताएं तो तीसरा मेथड काफी लोगों का पता है लेकिन काफी न्यू यूट्यूबर को नहीं पता है, जिनका एडसेंस बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं यूट्यूब से। तीसरा मेथड जो है सो एफिलिएट मार्केटिंग है। अब एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी लोग अमेजन तक ही जानते हैं या फ्लिपकार्ट तक ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग हर एक बिजनेस में होता है, कोई भी चीज़ होता है उसका एफिलिएट अकाउंट जो है सो जरूर होता है, मतलब काफ़ी लोग का एफिलिएट अकाउंट होता है लेकिन एफिलिएट बिजनेस जो है सो हर चीज़ में होता है। एफिलिएट में होता है क्या, ये किसी का प्रोडक्ट आप सेल करवाकर अच्छे खासे आप अर्निंग वहाँ से भी कर सकते हैं। अमेजन पे भी जो है एफिलिएट अकाउंट बनाकर वहाँ पे किसी का भी अगर कोई प्रोडक्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं, कहीं पे भी शेयर करते हैं और वो लिंक पे क्लिक करने के 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करता है तो आपको अच्छे खासे जो है सो अर्निंग हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग से। तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी जो है सो अच्छे खासे अर्निंग आप कर सकते हैं। और गाइस चौथा मेथड ये है कि आप कोई ऐसा जो है सो काम स्टार्ट कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे जिसके लिए आप अपने व्यूअर से जो है सो पैसा ले सकें। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर जो है सो कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ जरूर होगा जो आपको आता होगा। कहने का ये मतलब हो गया कि मानकर चलिए कि अगर आपको वेबसाइट बनाने आता है, अगर आपको एप्लीकेशन बनाने आता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या यूट्यूब चैनल बनाने आता है, कोई भी ऐसा चीज़ आपको बनाने आता है जो आप जो है सो बना सकते हैं सही से, तो उसके लिए आप यूजर से पैसे जो है सो ले सकते हैं। YouTube पे अभी काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो दूसरे के एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं और पैसे जो है सो अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी बार आप ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा चीज़ आप अगर आपके पास पैसे हैं और थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसा चीज़ आप बाय कर लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर बाय कर लीजिए, कोई टेम्पलेट्स बाय कर लीजिए, जो वेबसाइट पे थीम होता है वो सब बाय कर लीजिए, कोई ऐसा बाय कर लीजिए जो आप यूट्यूब पे जो है सो आप सेल कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए तो मुझसे ले सकते हो, मैं इसका रियल प्राइस इतना है और इसका कम ही प्राइस में जो है सो हम आपको दे देंगे। काफ़ी ऐसे वेबसाइट भी है जिस पर जाने के बाद आप महंगे महंगे सॉफ्टवेयर को क्रैक वर्जन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर आप थोड़े थोड़े पैसे में जो है सो बेच सकते हैं। तो ये सब करके जो है सो आप अच्छे खासे इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। गाइज पांचवा जो मेथड है वो कुछ ऐसा ही है फोर्थी मेथड जैसा, लेकिन पांचवा जो है सो बहुत अच्छा मेथड है। गाइज काफ़ी लोग क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं भी हैं तो बहुत ऐसे वेबसाइट है जो आपको प्रोडक्ट देते हैं सेल करने के लिए। कहने का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ले लीजिए जिसको आप सेल कर सकते हैं। होता क्या है, हम आपको रियल में बताते हैं कि कुछ ऐसे मार्केट में जो है सो प्रोडक्ट हैं जो बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम मार्केट से कोई चीज़ कम दाम में खरीद लें, जैसे कि मैं जो गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीदे हैं उसका हमारा जो है सो अमेज़न पे पड़ा है 400 रुपये और वो मार्केट में मिलता है मात्र 150 से 200 रुपये में। अब मान के चलिए कि हम 150-200 रुपये में हम मार्केट से वो बाय कर लेंगे और अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या कोई भी साइट पे हम जाकर उसको बेचेंगे। अब बेचेंगे कितना में, तो 600-700 में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी अर्निंग हो जाता है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है सो आप अगर आप कोई बिजनेस है, कोई चीज़ अगर आप सेल करते हैं, टी शर्ट हो गया, शूज हो गया, सनग्लासेस हो गए, कोई भी चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अपने डायरेक्ट जो है सो सेल कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी। यूट्यूब चैनल पे वो प्रोडक्ट का लिंक दीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा, बोलिएगा अच्छा प्रोडक्ट है, बाय करना होगा कर लीजिएगा, तो वो वहाँ से भी जो है सो वो लोग अच्छे खासे बाय कर लेंगे और उससे भी जो है सो अर्निंग कर लेंगे। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो यूट्यूब चैनल को आप कभी भी मत छोड़िएगा। हम छोड़ दिए थे, बहुत गलती किए थे क्योंकि उस समय जो है सो कोई मुझे एडवाइस करने वाला नहीं था, लेकिन हम आपको एडवाइस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल मत छोड़िएगा। हाँ, साथ में एक और चैनल अगर आप चलाना चाहते हैं तो साथ में चैनल चला सकते हैं, लेकिन उस चैनल पर भी कंटिन्यू जो है सो काम कीजिएगा, हमारे जैसे वो चैनल को छोड़ ही मत दीजिएगा कि वीडियो अपलोड ही करना बंद कर दें। तो गाइज अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे वेबसाइट के रिलेटेड, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रिलेटेड, उसके बाद यूट्यूब चैनल का टिप्स ट्रिक्स जो भी होगा वो सब वीडियो इस पर हम जो है सो अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।